हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू मैगनेट ब्रेन्स आई एम योर टीचर शिल्पी तिवारी और आज पढ़ेंगे हम आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज का चैप्टर माय फेवरेट थिंग्स की वर्कशीट यस yes, वर्कशीट में हम करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व और जानेंगे कि मेरे बच्चों को फेवरेट थिंग्स के बारे में समझ में आया है कि नहीं और उनकी फेवरेट चीजें क्या हैं और किस प्रकार से वो चीजों को अपनी फेवरेट बनाते हैं ओके सो माई डियर स्टूडेंट्स वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर वन वन बाय आप मेरे साथ धीरे धीरे सॉल्व करो और अगर जहां सॉल्व करते नहीं बन रहा है आपको क्या करना है आपको दोबारा से वीडियो देखना है और फिर से सॉल्व करना है क्योंकि आंसर तो मैं बता ही दूंगी तो आपको लर्न भी हो जाएगा ओके सो so स्टार्ट करते हैं माई फेवरेट थिंग्स की वर्कशीट ओके मैच द फॉलोइंग सो चिल्ड्रन मैच द फॉलोइंग का मतलब होता है मैच करना कैसे मैच करना एक कॉलम ये है एक कॉलम भी है अब आप देख सकते हो कॉलम में कुछ लिखा हुआ है ओके सेंटेंसेस आर रिटन बट इन कॉलम बी देयर आर गुड गुड पिक्चर्स ब्यूटीफुल पिक्चर्स तो क्या करना है सेंटेंस को पढ़ना है और करेक्ट पिक्चर के साथ उनको मैच करना है ओके है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ओके सो माय फेवरेट स्पोर्ट इज कराटे कराटे पता है कौन कौन करता है कराटे कराटे तो बहुत बच्चे सीखने जाते हैं उसमें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग होती है और बहुत स्ट्रेंथ लगती है इसलिए तो कहा जाता है ईट हेल्दी फूड ताकि कराटे जूड़ो ये सब आप कर सको सो so, बात करते हैं अपने क्वेश्चन की और क्वेश्चन में लिखा है माय फेवरेट स्पोर्ट इज कराटे सो माय डियर स्टूडेंट्स कैन यू सी द पिक्चर्स हियर क्या आप कराटे को सही पिक्चर के साथ मैच कर सकते हो कहा दिख रहा है आपको कोई बच्चा कराटे करता हुआ कराटे की ड्रेस तो ध्यान है ना व्हाइट कलर की होती है जिसमें ब्लैक बॉर्डर होता है ओके सो वेयर कैन यू सी कि एक बच्चा कराटे कर रहा है यस माय डियर स्टूडेंट दिस पिक्चर ओके आप यहाँ नीचे देख सकते हो कि ये जो बच्चा है वो कराटे कर रहा है कराटे हम ऐसे ही करते हैं ना और इसलिए माय फेवरेट स्पोर्ट इस कराटे को हम किससे मैच करेंगे इससे मैच करेंगे ओके सो इट विल बी मैच लाइक दिस नाउ नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है आई लव स्पोर्ट माई फेवरेट स्पोर्ट इज डांसिंग ओके इसे क्या करना पसंद है इसे डांस करना पसंद है ओके तो जिन जिन लोगों को डांस करना पसंद है डांसिंग इज देयर फेवरेट स्पोर्ट ओके तो इन दिस पिक्चर वेयर कैन यू सी द पीपल द स्टूडेंट्स आर डांसिंग यू कैन सी एनी वेयर सो माई डियर स्टूडेंट्स द पर्सन हु इज डांसिंग हेयर दिस गर्ल ओके तो आप ये देख सकते हो ये दो लोग कितने मस्ती से अपने फ्रेंड्स के साथ में डांस कर रहे हैं गाना गा रहे हैं ओके okay? सो so, इसलिए करेक्ट पिक्चर क्या है आपकी ये है ओके सो लाइक दिस यू विल सॉल्व द आंसर माई डियर स्टूडेंट्स कराटे वन दिस इज माय फेवरेट स्पोर्ट इज डांसिंग नाउ इन थर्ड पिक्चर यू कैन सी माय फेवरेट स्पोर्ट इज फुटबॉल तो फुटबॉल का आंसर तो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है तो फुटबॉल किससे खेलते हैं हम बॉल से खेलते हैं और बच्चा इतनी जोर से किक मार रहा है तो फुटबॉल इज इज फेवरेट स्पोर्ट सो चिल्ड्रेन इस तरह से आपके यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे जिसमें पिक्चर्स को यहाँ वहां डाल दिया जाएगा और आपको सही सेंटेंस

To you. Okay, Now choose the right word, आपको सही वाला शब्द करना है. You have to choose right करना लिखा है First यहाँ पे A में What's your favorite color? फेवरेट मतलब बताया ना मैंने आपको सबसे ज्यादा पसंद आपको सबसे ज्यादा कलर कौन सा पसंद है नाउ options में दिया हुआ है चिल्ड्रन ब्लू एंड चीज अब बात हो रही है कलर की तो चीज कहाँ से आ गया और इसलिए कौन से वाले में आपको टेक मार्क करना है यू हैव टू टेक मार्क दिस ओके यू हैव टू चूज ब्लू कलर क्योंकि जब कलर की बात हो रही है तो ऑब्वियसली ही ब्लू से ही रिलेटेड है चीज से तो रिलेटेड नहीं है एंड दैट इज वाई ब्लू इज द राइट आंसर ना नेक्स्ट वट इज योर फेवरेट स्पोर्ट आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है सबसे ज्यादा पसंद वाला खेल कौन सा है सैलेड या जिमनास्टिक्स सैलेड तो होता है खाने का जिमनास्टिक्स होता है जिसमें आप बहुत अलग अलग प्रकार के कर्तव्य करते हैं सो इसलिए चिल्ड्रन विच इज द फेवरेट स्पोर्ट जिमनास्टिक इज योर फेवरेट स्पोर्ट चिल्ड्रन नाउ व्हाट्स योर फेवरेट फूड आपका फेवरेट खाना क्या है ऑप्शंस क्या है कराटे एंड स्लैश क्रिस्प ओके कराटे तो अभी मैम ने बताया कि वो तो इस तरह से करा जाता है मारना सीखते हैं हम डिफेंस सीखते हैं और क्रिस्प का मतलब होता है कुरकुरा खाना ओके, फेवरेट फूड एंड दैट इज वाई कराटे तो ऑप्शन से बाहर हो जाता है तो राइट right ऑप्शन क्या है क्रिस्प इज द राइट आंसर वॉट इज योर फेवरेट टॉय आपका सबसे ज्यादा फेवरेट टॉय कौन सा है माई पजल्स या माई कैट सो माई डियर स्टूडेंट्स माई कैट तो हमारी पैट हो गई तो एनिमल आना चाहिए बट पजल्स क्या होते हैं है, टॉय और इसलिए माई पजल्स इज द राइट आंसर कैट आपके ऑप्शन में से हो जाता है आउट ओके okay? तो इस तरह से चिल्ड्रन आपको सेंटेंसेस पढ़ने होंगे और आपको करना होगा सॉल्व ओके यू कैन सी चिल्ड्रन द पिक्चर्स और Also given here, you can relate the pictures with your answers. Blue color. Then, what is your favorite sport? Gymnastics. Then, crisp-wala khana. Or last me hai puzzles wala toy. Okay. So, is tarah se si children, you will have to understand the favorite things. If in the question the options are given, you have to choose the right answer. Okay. Now, right राइट right, क्या करना है आपको राइट right, ये करना है कि मेरे बच्चों आप लोगों को ये लेटर्स दिए हैं बट ये लेटर्स कोई मीनिंग बता रहे हैं कैन यू रीड आउट नो यू कैन नॉट रीड आउट तो यू हैव टू अरेंज दीज वर्ड्स प्रॉपरली तो बी एफ ओ टी एल ओ एल कैसा साउंड कर रहा है ये सो so, ये साउंड कर रहा है चिल्ड्रन फुटबॉल ओके फुटबॉल सब लोग खेलते हैं ना बहुत इंटरेस्टिंग गेम होता है तो फुटबॉल की स्पेलिंग जैसा ही कुछ लग रहा है ना तो ये जो लेटर्स हैं जो बिल्कुल भी प्रॉपरली अरेंज नहीं है ओके जम्बल्ड हैं आपको क्या करना है सही तरीके से इन्हें लिखना है एंड दैट इज़ वाई द फर्स्ट स्पोर्ट इज फुटबॉल माई डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या लग रहा है आपको एस ओ पी टी आर ये क्या बता रहा है ये भी कोई मीनिंग नहीं बता रहा तो राइट right आंसर क्या है इसका चिल्ड्रन बहुत सिंपल है स्पोर्ट ओके okay? आप सब स्पोर्ट खेलते हो ना बहुत मजा आता है ना कोई ना कोई स्पोर्ट खेलने में तो ये है आपका स्पोर्ट ओके सो इस तरह से चिल्ड्रन आपको वर्ड्स के नाम अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे स्पेलिंग अच्छे से लर्न करनी पड़ेगी तब जाके आप इस तरह के जम्बल्ड वर्ड्स को अनजम्बल करके सही मीनिंग दे सकते हैं नेक्स्ट क्या है डी आई एन ए सी जी एन किस तरह का वर्ड है ये क्या बन सकता है ये सो so, चिल्ड्रन ये बन सकता है डांसिंग ओके डी एन सी आई एन जी डांसिंग और इस तरह से हमने जो वर्ड्स थे जो बिल्कुल भी सही तरीके से अरेंज नहीं थे उनको सही तरीके से अरेंज करके एक मीनिंग दे दिया ओके okay? तो था ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सो इन एग्जाम्स ऑल्सो चिल्ड्रेन सच क्वेश्चंस माइट कम और आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा इससे आपका दिमाग होगा और शार्प और आप आ जाओगे टॉप दिस टाइप ऑफ मतलब होता है सही और फॉल्स का मतलब होता है गलत तो आपको क्या करना है जो सेंटेंस सही है आपको उसके सामने लगाना है टिक और जो सेंटेंस आपको लग रहा है कि गलत है उसके सामने लगाना है क्रॉस Okay, children. So the first question is My favorite subject is PE. So I will tell you, children, PE ka matlab hota hai physical education, which is related to sports. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो फिजिकल एजुकेशन है और वो कौन बोल रहा है वो ये बता रहे हैं तो क्या आपको लग रहा है इस लड़की को देख के कि इसका फेवरेट जो सब्जेक्ट है वो फिजिकल एजुकेशन है नो बिकॉज शी इज होल्डिंग दी पेंट एंड ब्रश तो इसका फेवरेट स्पोर्ट फिजिकल एजुकेशन कैसे हो सकता है और इसलिए इसके सामने क्या आएगा आएगा कि क्रॉस आएगा सो so, चिल्ड्रेन इसके सामने आएगा क्रॉस क्योंकि इसका फेवरेट सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन नहीं इनफैक्ट उसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है पेंटिंग है ड्राइंग है ओके okay? नाउ

स yes, चिल्ड्रेन ये सही बोल रही है और इसलिए इसके सामने आएगा टेक मार्क क्योंकि शी इज होल्डिंग नंबर्स सो ऑब्वियसली उसको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है उसको मैथ सब्जेक्ट पसंद है ओके okay, नाउ माई फेवरेट सब्जेक्ट इज साइंस अब ये जो बच्चा है वो क्या बोल रहा है वो बोल रहा है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है साइंस में क्या होता है एक्सपेरिमेंट्स होते हैं हम नई नई चीज़ों को डिस्कवर करते हैं तो ये बच्चा है जो ये किस रूम में है वो साइंस लैब में है और वो सारी चीज़ें साइंस से रिलेटेड हैं और इसलिए दिस बॉय इज सेंग ट्रू एंड दैट इज़ बाय विच मार्क विल क्या आपको लग रहा है कि दिस बॉय इज से चिल्ड्रेन ये सही बोल रहा है इसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है इंग्लिश ही है और इसलिए इसके सामने कौन सा वाला मार्क आएगा राइट right वाला आएगा क्योंकि ये ट्रू कह रहा है इट इज ट्रू ओके चिल्ड्रन नाउ माई फेवरेट सब्जेक्ट इज म्यूजिक उसका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो म्यूजिक है तो क्या आप देख सकते हैं कि रिलेटेड कोई चीज कर रहे हैं दिस बॉय इज प्लेंग गिटार दिस गर्ल इज सिंगिंग एंड दैट इज वाई दे लव म्यूजिक उनको बहुत पसंद है म्यूजिक और इसलिए इसके सामने राइट आएगा कि स आएगा इसके सामने आएगा राइट क्योंकि ये सही बोल रहे हैं इट इज ट्रू दैट देयर फेवरेट सब्जेक्ट इज म्यूजिक माय डियर स्टूडेंट्स ओके सो इस तरह से चिल्ड्रन क्वेश्चन आंसर्स आते हैं और आपको बताना है कि क्या फेवरेट है और क्या फेवरेट नहीं है और साथ में अपनी भी फेवरेट थिंग्स के बारे में जानना है ओके okay? तो so, इस तरह से ये चैप्टर की एक्सरसाइजेस यहीं हो जाती है सॉल्व मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए मैग्नेट ब्रीन को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना ना ना भूले क्योंकि मैग्नेट ब्रेन देता है किंडर गार्डन टू तो ग्रेट ट्वेल्थ फ्री वीडियोज एंड फ्री एजुकेशन थैंक यू